हेलो ए, क्या कर रहे हो? बस ऑफिस से निकला, घर लौट रहा हूँ। सुनो ना, आज ना मेरे घर पे कोई नहीं है, अम्मी अब्बू शादी की दावत पर गए हैं, लेट आएंगे वो। क्या कहा तुमने, घर पे कोई नहीं है? सुनो अपना ध्यान रखना, अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे या कॉलिंग बेल बजाए, दरवाजा बिल्कुल बंद खोलना, पहले देखना समझना कि कौन आया है, उसके बाद खोलना। यू नो अभी इस मुल्क में चोरों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तुम वहाँ अकेली हो, अगर कुछ हो गया तो। आर यू मैड? समझते क्यों नहीं, घर बिल्कुल खाली है, घर पे कोई नहीं है आशिक। अरे तुमने तो अभी कहा तुम अपने घर पे हो, तो घर खाली कैसे रह सकता है? अरे बाबा, घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ओ, तुम अकेली हो, तो फिर मैं आऊँ वहाँ पे? बेवकूफ, कब से तो यही कह रही हूँ, इतना टाइम लगता है तुम्हें समझने में, जल्दी आओ क्विक। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके बाय। ओ भाई, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, चलो। हाँ हाँ ज्यादा दूंगा। हेलो, एक सुनो ना, मेरा घर ना बिल्कुल खाली है, घर पे कोई नहीं है, अब वो छोटू को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, तुम आ जाओ ना अभी यहाँ प्लीज। ओ शिट, आज तुम्हारे घर को भी खाली होना था। वेट अ मिनट, मेरा घर भी खाली है मतलब? और किसका घर खाली है, सच सच बताओ। वो दरअसल वो है ना मेरा दोस्त तन्मय, तन्मय का घर भी खाली है, इसीलिए हम सब लोग मिलकर सोच रहे थे कि आज उसके घर में पार्टी करेंगे, इसीलिए हम सब दोस्त उसके घर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। बेबी तुम्हारे लिए मैं पहले आती हूँ या तुम्हारा फ्रेंड? ऑफ कोर्स तुम हो बेबी, दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई क्या? तो फिर सीधा मेरे घर आ जाओ तुम, समझे? और अगर यहाँ आने के बजाय अपने फ्रेंड के घर जाते हो तो तुम्हारी खैर नहीं कह देती हूँ। अरे अभी आता हूँ। अरे ओ भाई चलो 4 नंबर, चलो। आपने तो कहा था 7 नंबर जाएंगे। अरे अभी 4 नंबर जाऊंगा, चलो चलो जल्दी जल्दी। हेलो जान, कहाँ हो तुम और कितना वक्त लगेगा? बेबी दरअसल एक प्रॉब्लम आ गई है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। क्या बात है? अरे हमारे वो ये है ना, मेरा एक दोस्त है ना तन्मय, वो बहुत मुसीबत में है। वो क्या किया मालूम है? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया उसने, अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम, तन्मय भाई का एक्सीडेंट हो गया? अच्छा तुम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, मुझे बताओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं वो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों आओगी, बड़ा कुछ नहीं है, छोटा मोटा एक्सीडेंट है। नहीं नहीं मुझे जाना ही होगा, तन्मय भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड होने के नाते ये मेरा फर्ज है। अरे नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बाद में सुना कि वो दरअसल वो रिक्शा से गिर गया है, पैर में चोट लगी है, अस्पताल ले गया था और बोल रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही है, इसीलिए उसे अब घर भेज दिया है, जाने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम नहीं जा रहे हो, अच्छा समझी, तब तो ठीक ही है, तो फिर तुम आ जाओ यहाँ जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। ओके बेबी फास्ट। अरे भाई 7 नंबर पे चलिए, घुमाइए रिक्शा, 7 नंबर पे चलिए। आप तो 4 नंबर बोले ना अभी। भाई बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, 7 नंबर जाना होगा। या अल्लाह ये कैसी मुसीबत है। हेलो, कहाँ हो तुम, इतना देर क्यों हो रहा है, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बेबी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, एक प्रॉब्लम हो गई है, बॉस ने ऑफिस से कॉल करके कहा कि अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। पता है मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुम्हारे लाइफ में तो मेरे लिए कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, तुम्हारे लिए ऑफिस ही सब कुछ है, मेरे यहाँ क्यों आओगे तुम, है ना, जाओ तुम ऑफिस। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, काम करना जरूरी नहीं है क्या, बताओ। नहीं ऑफ कोर्स जरूरी है, ऑफिस का सारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ता है ना, लेकिन ऑफिस इतना भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही टाइम ना दो, उसके लिए तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं रहे। ये ना बहुत बार हो चुका है, दैट्स द रीजन मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, मुझे लगता है आज तुम्हें एक डिसीजन लेना ही चाहिए, या तो मैं या तुम्हारा ऑफिस। ये क्या कह रही हो तुम, ये सब थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या समझूं मैं, कितनी बार समझूं, हर वक्त तुम ऐसा करते रहते हो। आज अगर तुम ऑफिस गए ना तो वहीं रह जाना तुम, मुझे और तुम फोन मत करना, मेरे साथ ब्रेकअप। नहीं 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 प्लीज 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 बेबी ब्रेकअप मत करना, बेबी ब्रेकअप मत करना, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं, रुको तुम फोन रखो मैं आता हूँ। अच्छा आ जा। ए भाई घुमाइए, तो घुमाइए घुमाइए, 4 नंबर जाना होगा।
चार नंबर जाना होगा। ए मिया, ए, इस रिक्शे में इंजन लगा हुआ है क्या? इसे पांव से चलाना पड़ता है। आप एक बार चार नंबर, एक बार सात नंबर, आप करना क्या चाहते हैं? आप रिक्शे से उतरिए। अरे भाई मैं मुसीबत में हूँ, अभी चार नंबर जाना होगा, चलिए ना। अरे भाई उतरने के लिए कहा, उतरिए ना, मैंने कहा ना अभी चार नंबर कह रहे हैं, पांच नंबर मुझे जाना ही नहीं, आप उतरिए। ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं आप? जो आपका काम है वो आप अच्छे से नहीं करेंगे? कितना हुआ भाड़ा, कितना हुआ? भाड़ा नहीं चाहिए मुझे, मंजिल भाड़ा नहीं चाहिए, क्या मतलब है? बैठने ये लो भाड़ा लो। ए रुको रुको, भाड़ा लेकर जाओ, ये लो। चलो नहीं जाता तुम्हारे रिक्शे से, कोई और नहीं जाएगा क्या? बकवास करता, इसीलिए जीवन भर रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। हेलो, और कितनी देर? आने में वक्त लगेगा, बहुत जैम है, सामने पीछे दोनों साइड में रिक्शाओं का जैम है। अरे तुम जल्दी आओ ना, कुछ ही देर में सब आ जाएंगे, फिर क्या होगा तुम्हें पता है ना? अगर वो लोग आ ही जाएंगे तो जाकर क्या फायदा, आज कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं आ जाओ ना। ठीक है आता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? ये तो बस सामने ही हूँ और 10 मिनट लगेगा बस। तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं, अबू ने फोन किया था, वो वापस आ रहे हैं। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आज? जाओ तुम अपने काम के लिए जाओ, बाय। हेलो बेबी, दरवाजा खोलो, 2 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। आ जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी अब्बू सब घर आ गए हैं। अरे तुम्हारी भी अम्मी अब्बू को अभी घर आना था, हट। तुम्हारे भी अब्बू अम्मी मतलब? और किसके अब्बू अम्मी का इंतजार कर रहे थे तुम, क्या कह रहे हो? ओ दरअसल तन्मय की अब्बू अम्मी घर वापस आ गए, हम लोग वहाँ बैठने वाले थे ना उसके घर में, तो वो अब वो नहीं होगा, उसके अब्बू अम्मी लौट आए इसीलिए। ए तुमने तो अभी कहा तन्मय भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तन्मय का एक्सीडेंट हुआ है? देखा मैं कब क्या कहता हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तन्मय का ही तो एक्सीडेंट हुआ है। मतलब तन्मय का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब उसका घर खाली था, उसका अब्बू अम्मी वहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब उसके अब्बू अम्मी घर वापस आ गए, तो अब तन्मय का देखभाल वही कर लेंगे, हमारी क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर आज क्या कर सकते हैं और? नहीं हुआ, रखता हूँ।